तो इस वक्त हमारे बीच कॉलेज के प्राचार्य महोदय जी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ डायरीज में। आ गया हूँ यहाँ, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है। पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ पे भूख हड़ताल चल रही है, तो आज हम आपको दिखाएंगे क्या हिसाब चल रहा है। और यहाँ पे 50 घंटे से छात्र भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो उनसे बात करेंगे हम लोग। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे छात्र 6 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं और पिछले 15 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है इलेक्शन की डिमांड को लेकर। तो पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी इधर है और पुलिस भी इधर मौजूद है। कोई इस टाइप से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ MBBG कॉलेज में, यहाँ गेम्स भी चल रहे हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अब हम छात्र नेता से बात करते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यतिन पांडे है, मैं छात्र संघ चुनाव में सचिव पद की दावेदारी कर रहा हूँ। तो कितने दिन से आपकी भूख हड़ताल चल रही है यहाँ पे? आज मेरा 3रा दिन चल रहा है भूख हड़ताल। अच्छा, अभी इससे पहले भी 3-4 लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। मेडिकल के उससे तबीयत भी खराब हुई थी इधर बीच में रक्षित मिश्र जी की, और उन लोगों का 24 घंटे का क्रमिक भूख हड़ताल चल रही थी। अच्छा, अभी मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हूँ। अच्छा, और मेडिकल रिपोर्ट्स मेरी भी नेगेटिव आई है, लेकिन मैं अभी भी यहीं पर बैठा हूँ। और जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाएगी तब तक मैं बैठ रहूँगा। जी जी जी, अभी आप लोग एक तो चुनाव की तिथि के लिए बैठे थे और उससे पहले जो आपकी डिमांड थी कि एग्जाम डेट को एक्सटेंड कराया जाए, तो उस डिमांड को आपकी मान लिया गया है, एक्सटेंड हो गई है। जी, एग्जाम तिथि एक्सटेंड हो गई है। तो आप एग्जाम आने वाले टाइम पे कब होंगे? उसकी अभी कोई डेट नहीं आई है, वो जब यूनिवर्सिटी का अगला ऑर्डर आएगा तो उस हिसाब से होंगे। बीच में कुछ संगठन के लोग गए थे हाईकोर्ट में, वहाँ पे फिर धन सिंह रावत जी ने आश्वासन दिया था कि इलेक्शन होंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसकी 12 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, कोर्ट का जैसे भी आदेश आएगा उस हिसाब से। जी, तो यतिन पांडे जी यहाँ 50 घंटे से भूख हड़ताल में बैठे हैं, कुछ इस टाइप से देखिए। रात के टाइम पे भी आप यही होंगे पूरा? हाँ जी, रात डेली हम यही सोते हैं। तो 3 दिन से इनकी हालत भी अभी नाजुक है थोड़ी, और यहाँ कुछ बाकी दूसरे छात्र लोग भी है, और यहाँ पे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे साथ में है। मेन यही तस्वीर है यहाँ की अभी MBBG कॉलेज की, और पुलिस भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हाँ, पिछले 6 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है, एक के बाद एक छात्र यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। और अभी 6 दिन हो गए करीब भूख हड़ताल स्टार्ट हुए हुए, और उससे पहले करीब 14-15 दिन से इनकी स्ट्राइक चल रही है। अब देखते हैं, बाकी पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही होगा। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, आप लोग भी अपने सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ कुछ इस टाइप से स्ट्राइक चल रही है छात्रों की। तो इस वक्त हमारे बीच कॉलेज के प्राचार्य महोदय जी है। तो सर नमस्कार। सर, यहाँ पे बच्चों की पिछले 15 दिन से स्ट्राइक चल रही है और 6-7 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, तो आप लोगों का पूरा किस टाइप से इनका कोऑपरेशन चल रहा है, किस टाइप से आप लोगों का कॉलेज प्रशासन का सहयोग चल रहा है? सर, कॉलेज प्रशासन इन्हीं बच्चों के साथ है, इन्हीं बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को पहले ही बता दिया था, सूचित कर दिया गया था। आज एक लड़का बैठा है यहाँ पर, यतिन पांडे, सचिव पद की दावेदारी कर रहा है। इसको लगभग 50 घंटे पूरे होने वाले हैं, अभी जब आज इसकी मेडिकल रिपोर्ट गई तो उस मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब ये फिट नहीं है, तो अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है। शायद हम तो ये चाहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन के सहयोग से और सिटी मजिस्ट्रेट के सहयोग से इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, और बच्चों का अगर धरना लगातार जारी रहता है तो इनको अपना दूसरा प्रतिस्थानी यहाँ पर चुनना चाहिए। अब इनको कोई प्रतिस्थानी फिलहाल अभी मिला नहीं है, अब प्रशासन अपने ढंग से कार्य करेगा। जी, थैंक यू सर। तो हमारी बात यहाँ के कॉलेज के MBBG सबसे बड़े महाविद्यालय कुमाऊँ के MBBG महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी से भी हुई, तो सर ने हमें बताया कि जो बच्चा बैठा है अभी यतिन पांडे, उसकी हालत बड़ी नाजुक है, 50 घंटे से वो भूख हड़ताल में स्ट्राइक में बैठा है। तो अभी किसी और कैंडिडेट को आने की ज़रूरत है इधर पे, और बाकी अभी मेडिकल की टीम भी आएगी कुछ देर बाद शायद इधर पे, और पूरी नेगेटिव रिपोर्ट आ रखी है इनकी। अभी थोड़ा क्लाइमेट भी चेंज हो गया है, और ये देखिए कॉलेज का कुछ इस टाइप से माहौल है, यहाँ पे टेंट लग रखा है इन लोगों का जहाँ पे भूख हड़ताल चल रही थी। और अभी भी जब तक इनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करा जाता तब तक इनका कहना है कि भूख हड़ताल जारी रहेगी, और संडे के दिन यहाँ पे गेम्स वगैरह चल रहे हैं और बच्चे यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। और इलेक्शन कब होंगे कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी एग्ज़ाम की डेट तो एक्सटेंड हो चुकी है।
तो वीडियो में इतना ही अभी के लिए, वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मिलते हैं आप लोगों से हम लोग इस वीडियो की नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। तो कुछ इस टाइप से हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के अपडेट मैंने आप लोगों को दी। और अभी संडे का दिन है आज, कॉलेज में बच्चे भी नहीं है, छात्र भी नहीं है, बस यही छात्र नेता लोग जिनकी हड़ताल चल रही है वो लोग बैठे हैं। और हल्की फुल्की पुलिस भी है अभी इधर, और प्रिंसिपल महोदय से भी मैंने आपकी बात करवाई। तो अभी सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।